पिता का दायित्व निभाने के लिए जन्म देना ही आवश्यक नहीं है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों के बारे में आज तक आपने जो देखा या सुना है, हमारी कहानी उनसे अलग और सत्य घटना पर आधारित है। सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है, सर्वप्रथम माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की उत्पत्ति माता आदि शक्ति से हुई थी, लेकिन दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण जब संपूर्ण सृष्टि श्रीहीन हो गई थी, तब समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे, उन 14 रत्नों में माता लक्ष्मी की भी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इन्हें समुद्र देव की पुत्री कहा गया। एक बार समुद्र देव बहुत ही दुविधा में बैठे हुए थे, तभी माता लक्ष्मी वहां आई और समुद्र देव से उनकी दुविधा का कारण पूछा। समुद्र देव की 8 पुत्रियां और थी। समुद्र देव ने अपनी दुविधा का कारण बताते हुए कहा, तुम्हारी 8 बहने भी तुम्हारी तरह ही श्री हरि विष्णु को पाने के लिए घोर तपस्या कर रही है, दुविधा का कारण है। ये सुनकर माता लक्ष्मी भी दुविधा में पड़ गई और वापस वैकुंठ धाम आकर भगवान विष्णु से बोली, प्रभु आपके हृदय में मेरा स्थान कहाँ है? भगवान विष्णु ने कहा, देवी मेरे हृदय के अर्थ भाग में भगवान शिव का वास है और अर्थ भाग में आप और मेरे भक्तगण है। इस बात पर माता लक्ष्मी श्री विष्णु से रुष्ट हो गई। माता लक्ष्मी पूर्ण अर्थ भाग में अपना स्थान चाहती थी, क्योंकि उन्हें अपनी 8 बहनों की चिंता सता रही थी। कुछ समय पश्चात समुद्र देव की 8 पुत्रियों की तपस्या पूर्ण हो गई तथा भगवान विष्णु द्वारा वरदान देने का समय आ पहुंचा। भगवान विष्णु पाताल लोक में उन 8 कन्याओं के समक्ष प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन 8 कन्याओं ने भगवान विष्णु से वरदान मांगने के साथ साथ एक शर्त भी रखी और कहा, आप अपनी पूर्व स्मृति भूलकर हमें अपनी पत्नी स्वीकार करें। तब भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहने के पश्चात भगवान विष्णु अपनी पूर्व स्मृति भुलाकर उनके साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। काफी समय बीत जाने के पश्चात माता लक्ष्मी भगवान शंकर और पार्वती के पास कैलाश पर पहुंची और भगवान शंकर से भगवान विष्णु के वापस लाने के लिए विनती करने लगी। माता लक्ष्मी के विनती करने पर भगवान शंकर ने ऋषभ अवतार धारण किया। मित्रों, ऋषभ और श्रभा दोनों अवतारों में थोड़ा ही अंतर है और पाताल लोक में भगवान विष्णु के पास पहुंचे तथा विष्णु से वापस चलने के लिए कहा। मित्रों, भगवान विष्णु अपनी स्मृति भूल जाने के कारण भगवान शंकर से युद्ध करने लगे। काफी समय दोनों का युद्ध चलता रहा। ये देख श्री गणेश जी ने माता लक्ष्मी की उन 8 बहनों को समझाकर श्री विष्णु को उनकी शर्त से मुक्त कराया। तब भगवान विष्णु को उनकी स्मृति वापस आ जाने के पश्चात वैकुंठ धाम चलने लगे। तभी भगवान विष्णु ने उन 8 लक्ष्मी की बहनों को वरदान देते हुए कहा, देवियों, जो मनसा आपकी अधूरी रह गई है, वह मनसा आपकी मेरे अगले अवतार काल में पूरी होगी। मित्रों, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की जो 8 पत्नियां रुक्मणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा थी, उनमें से कोई भी माता लक्ष्मी का अवतार नहीं थी। ये समुद्र देव की 8 पुत्रियां थी। मित्रों, राधा जी ही माता लक्ष्मी का अवतार थी और इन 8 से अलग थी। मित्रों, वीडियो लंबी हो जाने के कारण राधा जी के बारे में हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें अपने कमेंट जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दें, धन्यवाद।